शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार की शाम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी ने कोर्ट को बताया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला। ईडी ने कहा कि आपने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को नो सम्मन भेजकर मामले की जांच में सहयोग करने के कई मौके दिए। हालांकि केजरीवाल ने जानबूझकर एजेंसी के आदेश को नहीं माना। वे हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर जांच में शामिल नहीं हुए। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।